हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन पार्ट टू की। पार्ट वन जो है वीडियो में ऑलरेडी अपनी अपलोड कर चुकी थी, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। एनवायरनमेंट के जो हैं वो चार कंपोनेंट्स हैं, मींस एनवायरनमेंट चार कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसको हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल है, लिथोस्फीयर जिसको कि हम स्थल मंडल भी कह सकते हैं, और एटमॉस्फेयर इज वायुमंडल। और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, इसको ये फर्दर आगे एक ही पार्ट है इसका, दैट इज बायोस्फीयर। सो सबसे पहला जो नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। दूसरा कंपोनेंट है लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। लिथोस्फीयर की दो टाइप्स थी, जिसमें हमने बात की थी ओशिनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आप फर्स्ट जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के थर्ड कंपोनेंट एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो है, इट इज़ ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच इज़ फर्दर हैविंग सस्पेंडेड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड इट इज़ सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ। बेसिकली क्या है, अर्थ के आसपास जो गैसों का मिश्रण है, जिसके अंदर की पानी की जो है मौजूदगी भी है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, सॉलिड्स भी जो है एग्जिस्ट करते हैं डस्ट और स्मोक की फॉर्म में, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो ये गैसेज हैं, ये जो लिक्विड या सॉलिड्स हैं, ये उससे बंधे हुए हैं। इट मीन्स इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ विच इट इज़ बाउंड नियर टू द अर्थ। उसके अलावा ये जो है, अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें, अर्थ की सरफेस से अराउंड 1 मीटर बिलो और 10,000 किलोमीटर अबव तक जो है एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर के मास की बात करें कि इसका जो है मास कितना है, तो दैट इज़ 5×10⁻¹⁸ किलोग्राम। तो ये जो है एटमॉस्फेयर का मास है। और अगर हम इसमें मास से बात करें, तो ज़्यादा मास अर्थ के आसपास ही जो है सराउंडेड है। जो 11 किलोमीटर की हम अर्थ के सरफेस की बात करें, अर्थ के सरफेस तक हम चलना शुरू करें, तो 11 किलोमीटर तक जितना भी जो गैसेस है वो अराउंड 75% मास को कवर कर लेती हैं। तो इससे ये क्लियर है कि जो भी गैसेस है या ये जो लिक्विड सॉलिड है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली ये जो लेयर है ये बहुत डेंस है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी की वजह से जो 3/4 जो मास है वो 11 किलोमीटर के रेंज में ही कवर हो जाता है। और अर्थ जो का इसका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को जो है वो बचाता है किससे, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन से। अब जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उसके अंदर यूवी रेज भी हैं, जो कि बहुत हार्मफुल रेडिएशंस हैं, तो एटमॉस्फेयर जो है उससे हमें प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अर्थ जो एटमॉस्फेयर का और क्या काम है, इट वार्म्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे, ये हीट की रिटेंशन के थ्रू अर्थ की जो सरफेस है उसको वार्म रखता है। और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, जो कि सन की इंफ्रा रेड रेडिएशन जो सन की रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट है, वो हीट कॉजिंग होती है, वो उससे जो है वार्मथ आती है। तो ये उन आईआई रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ के आसपास जो है वो हीट रिटेन हो जाती है और एक जो वार्मथ वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट। तो
तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो गैसेस हैं ये हमारे लिए एक सूदिंग क्लाइमेट को जनरेट करती हैं, और नो डाउट ये हमारे सर्वाइवल को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। ये एटमॉस्फेयर ही है जो कि वेदर और क्लाइमेट को जन्म देता है। मींस एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, अगर हम डे टू डे टेम्परेचर की बात करें, तो रूटीन में दिन और रात में कितना टेम्परेचर है वो हम वेदर के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जबकि अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें तो उसको हम फिर क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, विंटरी विंटरिश है या समरिश डेज है, तो ये क्या है, ये हमारे क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं। जबकि एक ही दिन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें या उसमें जो है वातावरण की बात करें, तो वो हमारा वेदर कहलाता है। अगर हम प्योर एयर की बात करें तो प्योर एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन। बेसिकली जो मेजर पार्ट है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन गैस का है, ये अराउंड 79% जो है प्रेजेंट होती है, जबकि ऑक्सीजन 20% प्रेजेंट है। ये हम प्योर एयर की बात कर रहे हैं। नो डाउट जितनी ज़्यादा जो है मेट्रो सिटीज हैं, इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी तो ये रेशियो भी डिस्टर्ब होती चली जाएगी। जो आर्गन या बाकी जो गैसेस हैं, माइनर गैसेस इसको हम नाम देते हैं, वो सिर्फ 1% कॉन्स्टिट्यूट करती है, बट ये रेशियो जो है ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली फोर पार्ट जो है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन गैस के हैं और वन पार्ट जो है वो ऑक्सीजन गैस का है। अब एटमॉस्फेयर ही है जहाँ से हमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, हमें लगता है ऑक्सीजन इज वेरी मच असेंशियल गैस वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट, बिकॉज वी आर एक्सहेलिंग इट, बट दिस इज नॉट द केस। जिस तरह से हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इस तरह प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस असेंशियल है। तो प्लांट्स का सर्वाइवल भी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है, और दोनों ही गैसेस हमें कहाँ से मिल रही है, इट इज एटमॉस्फेयर विच इज द सोर्स ऑफ दीज टू गैसेस। और क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है जहाँ पर सारी गैसेस, सारी एयर प्रेजेंट है, तो ये हमें बात हम जो है इसको हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, इफ देर इज नो एटमोसफियर देर विल बी नो लाइफ। तो इसका मतलब जो है कि लाइफ का जो सोर्स है इट इज आवर एटमोसफियर। एटमोसफियर को हम फाइव लेयर्स में, स्टडी के पर्पज से फाइव लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके नाम हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सी ये जो हमने नाम जो दिए हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स के बेस पर इसको हमने फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है वो मैंने पहले बताया था कि अर्थ के आसपास जो है वो थिकेस्ट फॉर्म है, और जिस तरह से हम स्पेस की तरफ मूव करते चले जाएंगे, हाइट की तरफ चलते चले जाएंगे, तो वो थिन होता चला जाएगा और फाइनली स्पेस में मर्ज हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस में एक लाइन है जो कि इनके इनको क्लियर कट डिपिक्ट करते हैं कि देर इज एंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस हैज बीन स्टार्टेड, तो वो क्या है, दैट इज नोन एज कर्मन लाइन। सो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो फर्स्ट जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, इट इज फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द लास्ट आउटर मोस्ट लेयर इज दैट इज एक्सोस्फियर। उसके बाद जो है हम उसको हम फिर स्पेस का नाम दे देते हैं, दैट इज आउटर स्पेस। अब हम इन लेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, बिकॉज यही लेयर है जिसके हम डायरेक्ट टच में आते हैं, और ये जो है अर्थ की सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक फैली हुई है, और यही लेयर है जहाँ पर हम ब्रीद करते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है।
और जितने भी वेदर फिनोमिना है, हम कहते हैं रेनफॉल हो गई, फॉग, फॉगी डेज है, हेल स्टॉर्म है, गड़े पड़ना, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ है, वो ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होता है। और ट्रोपोपोल्स जो है बाउंड्री है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। इट मीन्स ट्रोपोपोल्स जो है वो क्लियर करता है कि नाउ ट्रोपोस्फियर हैज एंडेड। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये ट्रोपोस्फियर के बाद की लेयर है और जिसकी जो हाइट है 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। ऑब्वियसली ये जो है सेकेंड लेयर है, और इसमें जो है इस लेयर के अंदर क्लाउड्स का बनना या वेदर फिनोमेना नहीं होते, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है जेट एयरक्राफ्ट जो है उड़ाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि सिंपल जो एरोप्लेन्स वगैरह है वो कहाँ उड़ते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं, जहाँ पर लीस्ट जो है क्लाउड्स जो है वो नजर आए। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको कि हम ओजोन लेयर की बात करते हैं। ये ओजोन लेयर जो है ये इसके अंदर ओजोन गैस प्रेजेंट है जिसको कि हम O3 से डिनोट करते हैं। और ये जो है ओजोन लेयर मीन्स ओजोन गैस, ये हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको अर्थ तक नहीं जाने देती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो स्किन कैंसर कॉज कर देती है। इसीलिए जो है ओजोन लेयर जो है हमारे लिए एक जो है काइंड ऑफ बून है। और स्ट्रेटोपॉज जो है ये बाउंड्री है जहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर खत्म होता है और मीजोस्फियर जो है स्टार्ट होता है। और ये जो है टिपिकली 52 किलोमीटर के बीच में देखी जाती है। थर्ड लेयर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर ये जो है 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और जितने भी हमारे जो मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, या आपने 9th-10th के लेवल पर पढ़ा होगा, ये जो है हमारे जो है इस लेयर में देखे जाते हैं। और इस तरह से हाइट इंक्रीज होती हो चली जाती है, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। मीजोस्फियर जो है वो कोल्डेस्ट रीजन है एटमोसफियर का। ये थर्ड लेयर है, मिड लेयर है, और ये कोल्डेस्ट जो है लेयर ऑफ एटमोसफियर भी है। थर्मोस्फियर। थर्मोस जो है नाम से ही क्लियर है, थर्मो का वर्ड होता है हीट, तो थर्मोस्फियर मीन्स हीट स्फियर। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखा जाता है। और यहाँ पर जो है एक और भी लेयर देखी जाती है जिसको हम नाम देते हैं आइनोस्फियर, क्योंकि जो एटम्स हैं, क्योंकि अब आप भी देखो कि जिस तरह से हम ऊपर चढ़ते जाते जा रहे हैं, तो वो सन जो अप्रोच है वो लेयर की तरफ उसकी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो है एटम्स वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो आयन यानी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही लेयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है आइनोस्फीयर। और ये जो लेयर है 82-700 किलोमीटर में देखी जाती है। यही जो लेयर है ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। जो भी हमारी रेडियो वेव्स है वो इस लेयर के बाद वापस टकरा के अर्थ में वापस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे FMs वगैरह चलते हैं। लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है, और इस ये जो है बहुत थिन लेयर है। इस लेयर के अंदर हमें दो तरह के जो है गैसेस देखने को मिलती है, हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेट में देखी जाती है। तो ये हमारी 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफियर हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की, जो कि है बायोस्फीयर। हमने पहले भी डिस्कस किया है बायोस्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है बायोटिक कंपोनेंट को, यानी लिविंग वर्ल्ड को। इस बायो मींस जीव और स्फीयर मींस मंडल। जीव मंडल की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स। सो बायोस्फीयर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ और स्फीयर जिसका मतलब है एरिया। तो एरिया हैविंग लाइफ, इसका मतलब जो ये जो बायोस्फीयर जो है वो लाइफ जोन ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अराउंड
500 मीटर्स बिलो द ओशनिक सरफेस, ओशन की जो सरफेस है उससे 500 मीटर नीचे और 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल, जहां पर सी का आप लेवल की बात करते हैं वहां से 6 किलोमीटर ऊपर तक जो है लाइफ पॉसिबल है। और नो डाउट ये जो बायोस्फीयर है ये डायनेमिक है, मीन्स इसका जो नंबर है वो प्लस माइनस होता रहता है, बिकॉज स्पीशीज जो है वो जन्म ले रही है, मर रही है, जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इसका जो ये जो है इट इज अ डायनेमिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। और उसके अलावा जो है बायोस्फीयर जो है ये इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग बीइंग्स आपस में अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। और नो डाउट बायोस्फीयर जो है ये इनका जो है दे हैव द रिलेशन विद लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, मीन्स ये जो फोर के फोर कॉम्पोनेंट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। कोई भी जो स्फीयर है अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जा सकता, बिकॉज इनके अंदर जो है दे आर इंटर डिपेंडेंट, दे आर इंटर कनेक्टिंग, दे आर इंटर लिंक, देर इज इंटर लिंकिंग। तो ये जो है बायोस्फीयर जो है ये अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो इवॉल्व हुआ, मीन्स एग्जिस्टेंस में आया। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच। इसमें जो है कंसेप्ट को जो हम यहाँ पर हमने फोर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को समझा, इसके अलावा जो है पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ कॉन्स्टिट्यूट होकर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।